हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन एंड यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज जो आपका 10 जुलाई को पेपर है, ठीक है। एंड पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर अराउंड 4-5 क्वेश्चंस हर के अंदर हमने डिस्कस किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिटेल में देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन के इन एंड अराउंड अगर पेपर में दोबारा से कुछ आता है तो आपका फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया एक बार, ठीक है। तो पार्ट 4 देखते हैं एंड PDF आपके पास अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम पर और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन जो इस लेक्चर का है, इसमें पूछा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जो केसेस आए कोर्ट के पास जिससे आपका अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपने अरेंज करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना था कि कौन सा केस पहले हुआ और कौन सा बाद में। तो यहाँ पर आपके पास मिनेरवा, गोलकनाथ, इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण और केशव नंदा भारती केसेस आपके पास अवेलेबल थे, ठीक है। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन होना है वो क्या है बेटा, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। सबसे पहले आपका गोलकनाथ हुआ, उसके बाद आपका हुआ केशव नंदा भारती, ठीक है, फिर है आपका इंदिरा गांधी एंड लास्ट के अंदर है आपका मिनर्वा। तो अगर आप इनकी डेट्स देखते हो तो गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब जो है 1967 के अंदर, केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर, इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण 1975 के अंदर और मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो आपका 1980 के अंदर हुआ था। अभी मैं इन केसेस की डिटेल्ड डिस्कशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, इन केसेस की डिटेल्ड डिस्कशन हम देखेंगे बट इन द प्रैक्टिस MCQ सेशन जो अभी आपके लिए शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, द नोशन ऑफ अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन, ठीक है, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रियम्बल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एंड फंडामेंटल राइट्स में। देखो अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो या आप रिवीजन कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए तो आपके जो स्टार्टिंग के एरियाज हैं तो आपका प्रियम्बल हो गया, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो गए, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। तो ये चार ऐसे एरियाज हैं जो आपको 110% बहुत अच्छे से करके जाने चाहिए क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछता है, ये पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। इनमें से हर बार पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रियम्बल मिला करके आपको मिल जाते हैं हर बार, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर जो होगा आपका वो है ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो पार्ट 4A जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिस्ट करता है जिनके अंदर रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट द सॉवरिनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द सिटीजन्स, टू प्रिजर्व द राइट हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर एंड सो ऑन, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड हैं। तो आपसे क्या पूछा गया था, अपहोल्डिंग प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री वाला एलिमेंट यहाँ पर आपको कहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिख गया है क्लियरली बेटा, ये आपको क्लियरली हाईलाइट होते हुए दिख गया है इन टू योर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आपकी अच्छे से कवर्ड अप होनी चाहिए। नेक्स्ट, द टर्म लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये देखो बेसिकली बोरोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से है कि हमने जो वर्ड्स हैं लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल के अंदर है वो हमने कहाँ से इंस्पायर होकर के अपने प्रियम्बल के अंदर डाला है, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ना हमारे पास पूरे का पूरा एक टेबल है, हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं और हर बार इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछता है, ठीक है, हर बार आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर इससे रिलेटेड आता है। तो डेफिनेटली ये पूरे का पूरा जो एक टेबल है वो आज हम कवर अप करेंगे ताकि आपका वहाँ पर एक स्ट्रांग होल्ड बन जाए, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है क्योंकि आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के नोशंस हमने कहाँ से लिए हैं बेटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी।
अब हम देखते हैं वेरियस बोरोइंग्स को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत कुछ लिया है। फेडरल स्कीम जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, ठीक है, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी का जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर, जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे यहाँ पर इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल बेसिकली जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वगैरह है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, फेडरल होते हुए भी हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। कैबिनेट सिस्टम जो रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के केस में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलती है, बाय कैमरलिज्म दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेजेंस ऑफ टू हाउसेस। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू का मैकेनिज्म जो जुडिशियरी वेरियस लॉज वगैरह को रिव्यू कर सकती है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट का कंसेप्ट भी हमने यूएस से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्यसभा के अंदर मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं उन वो वाला एक कंसेप्ट, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन, जिसके अंदर सेंटर जो है वो स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू द स्टेट्स, बिकॉज जो रेजिडरी पावर्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो पावर्स हैं जो जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कॉन्करेंट के अंदर दोनों आ जाते हैं, और बची हुई पावर्स, ठीक है, जो तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है वो ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाती हैं, सेंटर के पास चली जाती हैं, ठीक है। तो फेडरेशन है जिसमें सेंटर स्ट्रांग है, गवर्नर जो होता है स्टेट का वो भी सेंटर अपॉइंट करता है, तो वो भी एक स्ट्रांग सेंटर का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। और एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, प्रेजिडेंट को जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट लिया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट लिया है, कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का जो फंडा है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी का जो एरिया है वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया है, और जो आपका आइडियल है जस्टिस, दैट इज जो प्रियम्बल के अंदर आता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो वो जो जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल है वो हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज जो है प्रियम्बल में वो लिए हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो, और कैसे राज्यसभा के अंदर मेंबर्स इलेक्ट होंगे, वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का कंसेप्ट। ओके, सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगा, ये याद करने में ना कोई हर्ज नहीं है ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये याद है तो एक क्वेश्चन बहुत इजीली हलवे की तरह हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा करके देख लो, ऑलमोस्ट हर बार ये एक ना एक क्वेश्चन तो वो पूछता ही पूछता है कि ये वाला कहाँ से लिया, ये वाला कहाँ से लिया, तो डेफिनेटली याद करने में फायदा तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारा जो देश का नाम है वो किस तरीके से लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदुस्तान दैट इज भारतवर्ष, इंडिया दैट इज हिंदुस्तान, इंडिया दैट इज भारत, भारत देश दैट इज इंडिया। सो द राइट आंसर ओवर हेयर विल बी ऑप्शन सी, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 के अंदर हमारा नामकरण होता है बेसिकली, तो आर्टिकल 1 इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है, दैट इंडिया, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, ऐसे ये शुरू करता है। और इसको किस तरीके से डिफाइन करता है, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स,
ठीक है, हमारे यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो फेडरेशन और यूनियन के बीच में डिफरेंस ये आ जाता है कि फेडरेशन के अंदर स्टेट्स के पास एक पावर होती है कि वो यूनियन से या वो कंट्री से अलग हो सके। ठीक है, बट हमने इस तरह की कोई भी पावर किसी भी स्टेट को नहीं दी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ों के साथ डील करता है ये आर्टिकल, नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिटी भी आ गया ना कि हमारा जो है स्टेट वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, संघ बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन से रिलेटेड प्रोविजन आपको कहाँ मिलेगा? प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फिर नाइन्थ शेड्यूल। मैंने आपको बोला ना कि प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ठीक है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए। इनमें से आराम से पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन बी। तो बेसिकली आपका जो आर्टिकल 51 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसके अंदर आर्टिकल 51 क्या बोलता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना एंड जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करना नेशंस के बीच में, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो तीन चार एलिमेंट इसके अंदर आ गए, एक तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑनरेबल रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 51 के अंदर ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे। क्योंकि देखो वो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहा है ना, वो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता था, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जगह वो क्या लिख देता, उसकी जगह वो लिख देता टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो फिर भी सेम ही रहता ना, सब कुछ सेम है, आंसर भी सेम है। अच्छा, वो आर्टिकल भी पूछ सकता है इसके अंदर, तो आर्टिकल याद होना, देखो जनरली हम ये नहीं कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स याद हो, लेकिन आपके DPSP के, फंडामेंटल राइट्स के, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के, ये तो ऐसे आर्टिकल्स हैं, ये 3 एरियाज तो ऐसे हैं, इनके आर्टिकल तो आपको मौजुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल कैन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट? इनमें से किस आर्टिकल के अंडर भारत का जो नागरिक है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है? ठीक है, सो दैट इज योर वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन था, बच्चे कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी पॉलिटी क्या सिर्फ ये क्वेश्चन देखने के लिए करी है? तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं या ऑर्डर्स निकाल सकते हैं या रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस टू द गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है कि हाँ एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन जो है वो हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कुछ 12 शेड्यूल्स हैं आपके, ठीक है, ये याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर शेड्यूल के अंदर क्या है। ठीक है, ये शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एक आधा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको मैच करना है, यहाँ पर आपको लिस्ट 1 में रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, एंटी डेफिकेशन स्टेट्स एंड एंटी डिफेक्शन स्टेट्स एंड यूटीज, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स गिवन है, और एक साइड आपको शेड्यूल नेम गिवन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा अगर आप इसको मैच करोगे, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर करना। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस आ जाती हैं आपकी 8th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज आ गई 8th शेड्यूल में, एंटी डेफिकेशन आ जाएगा आपका 10th शेड्यूल, ठीक है, उसके बाद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आपका आ जाएगा 5th शेड्यूल के अंदर, सॉरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का जो नाम है वो 1st शेड्यूल के अंदर है,
एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स आ जाएगा फोर्थ शेड्यूल में, और शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ जाएगा फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये सारे शेड्यूल्स को। तो सबसे पहले पहला शेड्यूल बेसिकली क्या है, इसके अंदर देयर इज द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जो भी स्टेट है और उस स्टेट का जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो गिवन है, और यूनियन टेरिटरीज का नाम और उनका एक्सटेंट। ठीक है, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम आ गए और उनका एक्सटेंट यहाँ पर आ गया। आर्टिकल 1 और 4 बेसिकली इसको कवर करता है। आर्टिकल नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है, एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड पोजीशंस के, कुछ स्पेसिफाइड पोस्ट्स के एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। ठीक है, आर्टिकल्स के ऊपर ध्यान ना दें। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस और प्रिविलेजेस सेकेंड शेड्यूल में मैंशनड होंगे। जितने भी स्टेट के गवर्नर्स हैं, ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है, राज्यसभा का चेयरमैन है और डेप्यूटी चेयरमैन है। ठीक है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, विधानसभा है वेरियस स्टेट्स की, उनके स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की। जिन स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है उनके एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड CAG। इसके अंदर ना क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि सेकेंड शेड्यूल के अंदर किस किस के एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस गिवन है, उसमें वो अगर ऑप्शन में PM लिख देगा तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो PM पे भी टिक लगाए आएंगे। ठीक है, होम मिनिस्टर लिख देगा, ठीक है, चेयरमैन ऑफ UPSC लिख देगा, चेयरमैन ऑफ UPSC लिख देगा, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है या नहीं है। तो ये कोई भी नहीं है, सिर्फ ये नौ नौ पोजीशंस आती हैं। प्रेसिडेंट भारत सरकार के, भारत के प्रेसिडेंट, गवर्नर स्टेट्स के, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर विधानसभा के स्टेट्स की, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद जो है स्टेट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और CAG, बस ये नौ है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल के अंदर फॉर्म जो बेसिकली फॉर्म होता है, ओथ और एफर्मेशन। ठीक है, तो किस किस की ओथ और एफर्मेशन के फॉर्म्स थर्ड शेड्यूल के अंदर अवेलेबल हैं, जो यूनियन मिनिस्टर आ गए, ठीक है, जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो लोग अपना कैंडिडेचर फाइल कर रहे हैं पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए, ठीक है, जो कैंडिडेट बेसिकली अभी इलेक्ट नहीं हुए हैं, जो कैंडिडेचर फाइंड कर रहे हैं, तो जब आप फाइल करते हो ना पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, तब भी आपको एक ओथ और परमिशन लेनी पड़ती है। पार्लियामेंट के मेंबर, सुप्रीम कोर्ट के जज, CAG जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट हैं स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर भी नौ आ जाते हैं। अब इसके अंदर देखो अलग है, सेम नहीं है सेकंड और थर्ड, इसमें यूनियन मिनिस्टर आगे, कैंडिडेट जो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने हैं पार्लियामेंट के मेंबर आगे, जज आ गए सुप्रीम कोर्ट के, CAG आ गया, स्टेट मिनिस्टर आ गए, कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर आ गए, हाई कोर्ट के जज आ गए। इसके अंदर प्रेसिडेंट, गवर्नर ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है जी, तो प्राइम मिनिस्टर तो ऑटोमेटिकली यूनियन मिनिस्टर हो गया ना। अब यहाँ पर अगर आपको लिख दे कि प्राइम मिनिस्टर क्या आएगा, प्राइम मिनिस्टर क्या मेंशन है, तो आप कह दो कि यूनियन मिनिस्टर मेंशन है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल जो सीट्स एलोकेटेड है राज्यसभा में, आप जानते हो कि इंडिया के अंदर ये वाला सिस्टम नहीं है कि हर स्टेट को इक्वल राज्यसभा में सीट्स अवेलेबल है, पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से है। ठीक है, तो जिस भी हिसाब से सीट्स एलोकेटेड है हर स्टेट को, वो आपकी फोर्थ शेड्यूल के अंदर मेंशनड है। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो सरकार डिक्लेयर करती है। सिक्स्थ शेड्यूल में भी यही एरिया, यही प्रोविजंस हैं, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू फोर स्टेट्स, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, तो बेसिकली ये चार इन स्टेट्स को कवर करता है सिक्स्थ शेड्यूल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। सेवन शेड्यूल के अंदर आपकी तीन लिस्ट आ जाती हैं जो पावर डिवाइड करती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। लिस्ट वन होती है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर जहाँ पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लिस्ट टू स्टेट लिस्ट, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पर दोनों कानून बना सकते हैं।
प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट के अंदर 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर अभी 59 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट के अंदर 66 थे और कॉन्करेंट के अंदर 47 सब्जेक्ट्स थे। एट्थ शेड्यूल के अंदर आपकी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं। ओके, ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी इसके अंदर, बट प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं जो आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये आपको सारी की सारी लैंग्वेजेस याद होनी चाहिए। ठीक है, तो असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी या जिसको डोंगरी कहते हो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, टोटल 22 लैंग्वेजेस होगी। सिंधी जो है बेटा, सबसे पहले ये 21st अमेंडमेंट से ऐड की गई थी 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71st अमेंडमेंट से ऐड की गई थी तीन लैंग्वेजेस 1992 में। ठीक है, ओके, सो 1 + 3, ऑल राइट। उसके बाद आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली ये 92nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी चार लैंग्वेजेस प्लस 4, ऑल राइट, 2003 के अंदर। और ओरिया विच को रीनेम किया गया था एज ओडिया और इसको ऐड किया गया था 96th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, प्लस 1, तो आप देख रहे हो 4 + 4, 8, 9। ठीक है, तो आपकी पहले 13 थी और 9 लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट से। तो ये अमेंडमेंट्स भी याद रखनी है। सिंधी यहां पर एक बार लिख लो, सिंधी 21st अमेंडमेंट, सिंधी 21st अमेंडमेंट 1967। ठीक है, पहले 13 थी, उसके बाद सिंधी 21st अमेंडमेंट से, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, ये आ गई आपकी किससे? 71st अमेंडमेंट से 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संतली, ये आ गई आपकी 92nd अमेंडमेंट से 2003 में। ठीक है, और फिर फाइनली ओडिया 96th अमेंडमेंट 2011। तो ये याद रखना, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी सिंधी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधी, क्योंकि सिंधी जो है वो ओरिजिनली नहीं था, वो कैसे आया था? वो आफ्टर द अमेंडमेंट आया था। सिंधी 21st अमेंडमेंट 1967, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट 1992, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली 92nd अमेंडमेंट 2003 एंड ओडिया 96th अमेंडमेंट 2011। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर बेटा वो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी सिस्टम वगैरह से डील करते हैं। ठीक है, ये शेड्यूल ओरिजिनली नहीं था, पहली अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तब इसको अमेंड किया गया था। ये बेसिकली ऐसे कानूनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जुडिशियल स्क्रूटिनी से प्रोटेक्ट करने के लिए, देखो फंडामेंटल राइट्स आ गए। ठीक है, अब सरकार को लगा कि यार हमें कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो फंडामेंटल राइट्स को भी लोगों के वॉयलेट करेंगे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना है। ठीक है, रिजर्वेशन एट एक्स्ट्रा के जो प्रोविजंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेंगे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो अल्टीमेटली लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हो रहा है तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला कि हम फर्स्ट अमेंडमेंट ले आते हैं, इसमें हम नाइन्थ शेड्यूल में लिख देंगे कि जो भी एक्ट हम नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाल देंगे वो एक्ट के ऊपर जुडिशरी जो है वो फिर किसी भी तरह की स्क्रूटिनी नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में क्या बोला कि लॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2007 में कि जो भी कानून 1973 24 अप्रैल के बाद बने हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के और सरकार उसके ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगा सकती। बेसिकली ये केशव नंदा भारती केस के बाद के जो एक्ट्स हैं, जब
कोर्ट ने बोल दिया था कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद की डेट है। 10th शेड्यूल के अंदर आपके प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, अगर वो पार्टी वगैरह बदलते हैं इलेक्शन होने के बाद, ठीक है। और इसको ये भी ओरिजिनली नहीं था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में, उससे बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो डाला गया था। 11th शेड्यूल बेसिकली आपकी पावर अथॉरिटी स्पेसिफाई करता है, ठीक है, पंचायत की बेसिकली, एंड अराउंड 29 मैटर्स इसके अंदर लिस्टेड हैं जहां पर पंचायत जो है, विलेज लेवल पंचायत जो है वो डिसीजन ले सकती हैं, उनकी पावर्स हैं। और इस शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 से डाला गया था, आर्टिकल 243G है, याद कर लेना। 12th शेड्यूल के अंदर सिमिलरली पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटीज की गिवन है, इसके अंदर 18 मैटर लिस्टेड है, और ये जो पार्ट है इसको 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया था, आर्टिकल 243W, ठीक है। तो ये 12 शेड्यूल हैं, ये 12 के 12 शेड्यूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ठीक है, कहाँ पर क्या अमेंडमेंट हुई है और किसके अंदर क्या प्रोविजन है, इसके अंदर से एक आधा क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बेटा बनेगा। चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ तो टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल रहेगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। गाइस, प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा ठीक पढ़ा रहा है और आगे चल करके ठीक पढ़ाएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन में अगर आपको कोई लगता है, मेरे अलावा भी अगर कोई लगता है ना कि एजुकेटर ठीक पढ़ा रहा है, कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, तो उसको इनकरेज करो, क्योंकि बहुत सारा जो है एक मिक्सअप क्रिएट हो चुका है ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको अच्छे टीचर्स को एनकरेज करने की ज़रूरत है, अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो मत करो एनकरेज, लेकिन बाकी जो भी अच्छे लगे उनको ज़रूर एनकरेज करो, ठीक है, उनको प्रमोट करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।